हेलो हाय गाइज एवरीवन, ये ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो K10 5G, जो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन फ़ोन आता है और बहुत अच्छा फ़ोन है। देखो ये टाइप सी चार्जर है और यहाँ पे एयरफोन जैक है, ये स्पीकर है और ये पीछे के दो कैमरे हैं, प्लस LED फ्लैश दो है, D11 और 2। और ये देखो कितना एकदम, वैसे देखा जाए तो फ़ोन बहुत अच्छा खूबसूरत है। और ये मैं आपको पूरी इसकी बॉडी दिखा रहा हूँ कि बॉडी किस तरह की है ओप्पो की, जो फ़ोन की जो पूरी सारी एकदम पीछे की जो बॉडी का भाग है, पहले आप बॉडी देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने पूरे उसके देखते हैं क्या क्या अंदर फीचर्स आते हैं। फ़ोन ऑन है, मैंने ऑन ही किया हुआ था फ़ोन को। ये देखो कितना अच्छा फ़ोन है, खूबसूरत, देखो लुक में बहुत बड़ा शानदार है। और 5G फ़ोन है, K10, ओप्पो K10 5G, 8 GB, 128 GB, उसमें 6 GB भी आता है, ये 18 साढ़े 18 का करीबन का आता है, और एक उसमें 6 भी आता है, वो 16 साढ़े 16 का रेंज का आता है। वैसे देखा जाए तो फ़ोन बहुत अच्छा है और लुक में भी बहुत ज़ोरदार फ़ोन है। यहाँ पे सिम कार्ड भी लगता है और यहाँ पे प्लस माइनस के हैं, और ये कैमरा का हो गया भाग, और ये पीछे का जो एकदम शाइनिंग है वो बहुत अच्छी दी है, कि जब दिए टाइप सी है, चार्जर काफ़ी आता है और फास्ट चार्जर आता है। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ की स्विच है, जैसे ये ऑन ऑफ और फिंगरप्रिंट दोनों साथ में है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी आ गया है और ऑन ऑफ भी आ गया, दोनों एक ही साथ में है, ये जो है ये दोनों भी आ गए। और ये डिस्प्ले की अपने बात करते हैं कि डिस्प्ले किस तरह उसकी वर्क करती है, तो डिस्प्ले एकदम बहुत ही बड़ी हल्की सी, एकदम आसान तरीके से देखो किस तरह चल रहा है, एकदम हल्का सा रफली, जैसे आप अब कई चीज़ आपको जैसे फ़ोन के अंदर भी जाके आपको देखने को मिलती है, ऐसे कई कई चीज़ें होती है, फीचर्स होते हैं। जैसे आपने ये खोला, वही अबाउट फ़ोन आया, अपने को यहाँ देखना है, कभी कभी कोई डिवाइस होता है, जैसे कोई भी फ़ोन होता है, यहाँ लिखा हुआ था डिवाइस नेम, मतलब ये कौन सा मॉडल है, उसका नाम क्या था, डिवाइस नेम है ओप्पो K10 5G, स्टोरेज तो 128 GB लिखा हुआ है, और इसमें लिखा 22.3 GB यूजेड, मतलब जो थोड़ा यूज है वो यूज का किस में हुई होगी, जैसे ये फ़ोन तो न्यू है, फ्रेश फ़ोन है तो यूज कैसे हो गई, जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं। तो कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर से जैसे यूज करता है, जो कंपनी की जो एप्लीकेशन होती है उसमें हो जाए। ये प्रोसेसर है मेन चीज़, प्रोसेसर ही रहती है फ़ोन के अंदर ज़्यादातर, प्रोसेसर, GB और रैम, ये तीन चार चीज़ ऐसी होती है जो मेन पे आती है। तो उसके अंदर प्रोसेसर है डायमंड सिटी 800, मीडियाटेक डायमंड सिटी 810 ऑक्टोकोर का प्रोसेसर आता है, तो प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। और कलर OS वर्जन आता है, एंड्रॉयड 12 है और वो भी बहुत अच्छा है। और उसके अंदर मेन चीज़ है रैम, अभी रैम का क्या है, जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि भाई रैम 8 GB प्लस एक्सटर्नल रैम हो गई, तो इसमें तो जैसे 8 + 3 है तो ये तो 11 GB हो गया, तो क्या यार 11 GB रैम में ही फ़ोन, बिल्कुल 11 GB ही है, ये 3 GB एक्सटर्नल रैम भी काम करती है और ये फ़ोन 11 GB भी माना जाता है, तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा फ़ोन है, 11 GB रैम का भी हो गया है। और ये नया, जैसे ये मेरे पास में यूज फ़ोन है और आपको ये 18 साढ़े 18 का आता है, 1.5-2 महीने यूज आपको किसी को लेना हो, 14-14 के करीबन ये लास्ट फ़ोन पड़ेगा आपको, तो मिल जाएगा अच्छे भाव में है, और अभी वारंटी बाकी है, 1.5 से महीना या 1.5 महीना ही खाली यूज फ़ोन है, और एक्सटर्नल रैम वाला भी है। देखो ये 5G फ़ोन भी आ गया है और एंड्रॉयड वर्जन है, जैसे 8 GB + 3 GB एक्स्ट्रा रैम है, और आप यहाँ जाके आप अंदर से भी ऐसे कर सकते हो, जैसे 5 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी, जैसे जिस तरह जो जो अपडेट आएगा इस तरह ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद हमने क्या देख रहे थे, वर्जन मैंने आपको दिया, एंड्रॉयड वर्जन है 12 है, और बट देखा जाए तो फ़ोन लुक के अंदर बहुत ही बड़ा शानदार और अच्छा फ़ोन है। और ये प्राइस में जो बात करें अपने, जो ये प्राइस है, ये प्राइस में बहुत अच्छा है, ये सेल्फी कैमरा प्लस ये स्पीकर से ऊपर का, और जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छी है, और फ़ोन हल्का सा है, और एक से देखने में भी और वैसे हाथ में भी बहुत, लुक में भी बहुत फ़ोन अच्छा है। अब अपने बात करते हैं उसके चार्जर केबल्स और कई चीज़ ऐसी भी है जो मैं आपको बताना अभी तक बाकी है, वो भी बताऊंगा, तो एक बार मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना। ये देखो 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है 33 वोल्ट सुपर वर्क, मतलब फास्ट चार्जर आता है यहाँ पर, है सब कुछ अपडेट वपडेट दिया हुआ है, और चार्जर भी बहुत अच्छा अच्छा ही आता है, 33 वोल्ट है तो बहुत ठीक है, क्योंकि जो 17-18 की रेंज में 8 GB 128 GB फ़ोन है, तो इसके हिसाब से चार्जर और फ़ोन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा फ़ोन है। और इसके साथ में ये जो एक आता है ये प्लास्टिक का, उसके अंदर एक कवर भी आता है, एक कंपनी की बुकलेट भी करके आती है, वो सब जो साथ में इसके आते हैं। अब अपने फ़ोन का देखते हैं कि भाई फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है, अब ये 14.5 मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 14-14 हज़ार तक करीबन आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, और यूज फ़ोन है, यूज मतलब 1-1.5 महीना ज़्यादा नहीं है, और 100% कंडीशन में ये फ़ोन है। देखो आप कंडीशन में आपको दिखा ही रहा हूँ, जूम करके पूरा पूरा आपको मैंने दिखा दिया, कई जगह से कोई डेंट वेंट नहीं है,
और 100% यूज किया, कवर में किया, परंतु एक भी इसके ऊपर दाग नहीं, क्यों? लेमिनेशन था, लेमिनेशन मैंने हटाया है और आगे का भी मैंने पूरा ग्लास वाला से एकदम हटा के आपको दिखाया है कि ताकि आपको लगे कि भाई इस फोन में देखो ये सारे ये फीचर्स है, यहाँ पे वाईफाई का, डाटा का, स्लीप मोड है, ब्लूटूथ है, फ्लैश लाइट है, लोकेशन है, एयर मोड है, ऑटो कर का है, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और वाइब्रेशन का है, पावर सेविंग मोड है, बैटरी के लिए बचाने के लिए स्क्रीन शॉट लेना हो तो अल्ट्रा मोड है, ईयर का है, जैसे आँखों में कई तरह की तकलीफ होती है, जैसे ज़्यादातर अपने देखते हैं तो वो भी है, तो बट देखा जाए तो लुक के अंदर और वैसे फीचर्स में फ़ोन बहुत अच्छा है। और जो इसका कैमरा, वैसे भी ये कैमरा फ़ोन से ही जाना जाता है, जैसे ओप्पो तो ये सेल्फी कैमरा मैंने आपको दिखाया तो सेल्फी कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, और वैसे ये फ़ोन बहुत अच्छा है और खूबसूरत है। और ये रेंज में तो आपको देखा जाए तो ये रेंज का ये फ़ोन लेना ही चाहिए आपको, किसी को भी लेना हो तो ये रेंज में, और ये आपको बहुत अच्छे फीचर में मिला। अब बट अपने इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है, किस तरह का फ़ोन है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड उसके अंदर 12 है, उसके अंदर मीडिया टेक डायमंडसिटी 810 का प्रोसेसर आता है, 8GB 128GB आता है, और उसमें IPS LCD डिस्प्ले आती है, 6.5 इंच की आती है, और उसमें PPI जो पिक्सल जो कैमरा बोलते हैं वो 270 का करके आता है, और वह पीछे का जो कैमरा 48 मेगापिक्सल का और D2 का है, और 8 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। अब उसके अंदर 5000mAh की बैटरी तो आपको पता है कि सब सारे जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर नॉर्मल कंपनी ने कर दी, क्योंकि 5000 एकदम कंपलसरी हो गई है, 5000 हो तो ही फ़ोन एकदम चलने में, क्योंकि अभी ज़्यादातर फीचर अच्छे आते हैं तो फ़ोन भी बड़े बड़े होते हैं, साइज़ वाइज बैटरी तो बहुत जल्दी जाती है, इसके लिए 5000mAh तो बहुत कंपलसरी होगी। मेन चीज़ है कि 33 वोल्ट फास्ट चार्जर, तो ये भी बहुत ठीक है, क्योंकि फास्ट जैसे 5000mAh की बैटरी है और उसमें 18 वोल्ट और 10 वोल्ट दिया जाए तो जल्दी फ़ोन चार्जर भी नहीं होगा, तो इसके लिए 33 वोल्ट और वो भी व्यू फास्ट चार्जर करके दे दिया, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है जो फुल HD के साथ में 3GPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, जैसे कोई भाई वीडियो के लिए ले रहा है स्पेशलिटी, और जैसे अदरवाइज वीडियो के लिए नहीं भी ले रहा है तो वीडियो आजकल बहुत कंपलसरी है, लोग वीडियो अच्छा, और सेल्फी मेन चीज़ ये भी हो गई, फास्ट चार्जर, बैटरी और सेल्फी और वीडियो, ये 3-4 चीज़ तो ऐसी होगी फ़ोनों के अंदर बहुत कंपलसरी, एक बार कॉल नहीं लगेगा वो भी चलेगा, परंतु ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी कर दी। बट बाकी भी देखा जाए तो फ़ोन बाकी फ़ोनों के फीचर्स के हिसाब से और ये फ़ोन एक बहुत अच्छा है और एक बेटर फ़ोन है, और ऊपर से ये 5G फ़ोन भी आ गया है, कि लोगों के मन में भी एक 5G का रहता है कि भाई 5G फ़ोन नहीं, 4G फ़ोन है, बाई चांस 5G आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैसे एक्चुअली कुछ नहीं होगा, अपडेट भी आएंगे, पहले भी आए थे 3G के टाइम में, जो कई वीवो के भाई अकाउंट है ऐसे कई सारे फ़ोन से, ठीक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन भी आएगी और कंपनी कुछ ना कुछ उसके लिए अपडेट लाएगी, आप चिंता की कोई टेंशन नहीं है। और फ़ोन बहुत देखा जाए तो लुक में भी और बहुत बड़ा शानदार फ़ोन है, किसी को चीज़ एक बार मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको अच्छे भाव में और अच्छी रेट में आपको मिल भी जाएगा, और मेरे पास में फ़ोन वैसे भी आते रहते हैं बहुत सारी कंपनी के, अच्छे अच्छे फ़ोन अच्छे अच्छे फीचर में आते रहते हैं, और किसी को लेना हो तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना, एक बार मेरे वीडियो को भी देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों फ्रेंडों में भी बताना, ताकि हम भी छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो आपके दुआएं हो तो हिंदुस्तान के पूरे लोगों की, तो हम भी आगे कुछ बढ़े, और आप लोगों का ही आशीर्वाद होगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।